नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 28 जनवरी गुरुवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। बिहार में खुले में सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा, 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाने की हो रही है तैयारी। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी बीजेपी, सीमांचल पर दाव लगाने की रणनीति। बिहार में एक्सिस बैंक के कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर दिन दहाड़े लूटे 47 लाख रुपए। बीमार लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार, अब अपने पांव पर खड़े हो पा रहे हैं लालू। झारखंड के एक कृषि मंत्री बोले, 26 जनवरी की घटना किसान आंदोलन को खत्म करने की थी साजिश। अब खबरें विस्तार से। भारत में तंबाकू नियंत्रण कानून में संशोधन को लेकर कई बार मांग उठी है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को कंट्रोल करने वाले तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें खुले में सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसरों और उसके आसपास सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत चलान करने का नियम था। यह चलान 200 रुपए का रखा गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी, नए तेवर के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को उसी के घर में घेरने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने आरजेडी के वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने के जुगाड़ में है। बीजेपी के नेता हालांकि इस रणनीति को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करती, लेकिन हाल ही में बीजेपी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो इस बात की पुष्टि करते हैं, जैसे कि बीजेपी सांसद नित्यानंद राय को केंद्र मंत्री के रूप में जिम्मेदारी देना, बिहार प्रभारी की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को देना, वहीं सीमांचल में पहचान बनाने वाले शहनवाज हुसैन को विधानसभा परिषद का सदस्य बनाकर राज्य की राजनीति में उतारना। बिहार के वैशाली में लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां हथियारबंद लुटेरों ने दोपहर के समय एक्सिस बैंक पर निशाना बनाते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने एक्सिस बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 47,54,000 रुपये लूट लिए। दिन दहाड़े बैंक में हुई लूट के मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और लूट की रकम की छानबीन में जुटे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि लुटेरे 3 बाइक पर 7 की संख्या में थे, जिसमें से कुछ बाइक से उतरकर बैंक में प्रवेश कर गए और बैंक के स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया, जिसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उनकी देखरेख कर रहे दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि जिस दिन उन्हें भर्ती किया गया था, उस दिन से अब तक उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। अब लालू प्रसाद यादव खुद के पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। दरअसल 23 जनवरी को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद उन्हें रांची के रिम्स से हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली के एम्स पहुंचाया गया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 26 जनवरी की घटना की निंदा करते हुए कहा कि वैसे लोग जो इस आंदोलन को असफल बनाना चाहते थे, उन्होंने षड्यंत्र के तहत किसानों के आंदोलन को आक्रोशित करने का काम किया। 26 जनवरी की घटना के लिए हम राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए और पूरे मामले पर पर्दाफाश किया जाए। इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी। केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। रैली और आंदोलन को दबाने का ये षड्यंत्र था। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, वह चिन्हित होंगे और उन्हें दंडित होना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।